वेलकम टू माय चैनल भावना व्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस एक दो दिन से जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, बट अभी आज बेटर है। तो आज एक और चीज हुई है, मेरा सिलेंडर जो है घर का वो खत्म हो चुका है। तो अब मैं सीन देख रही हूँ कि कैसे उस सिलेंडर को लेकर आना है या कैसे मैं लगाऊंगी, क्योंकि ये सिलेंडर काफी मन चल गया, 6-7 महीना चल गया है। तो नेक्स्ट भी जो लगाऊंगी वो 6-7 महीने चल जाएगा। तो इतना ज्यादा कोई खाना वाना जो कुकिंग है इतनी ज्यादा कुकिंग होती नहीं है। तो अब मैं देखती हूँ सिलेंडर को कैसे लेकर जाना है और कैसे आएगा, क्योंकि मैं मम्मी के घर से ही लेकर आती हूँ, ये मम्मी के सिलेंडर्स ही होते हैं यहाँ पे। तो अब जो है मैं निकल रही हूँ और आज इतने दिन बाद मैं स्कूटी चलाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से जब मैं ठीक करा के आई थी उस दिन के बाद से स्कूटी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। तो आज मैं जाऊँगी, कूपर से मिलूंगी, दिष्टू से मिलूंगी, मम्मा डैडी से मिलूंगी, सबसे मिलूंगी। काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे को, तो दो एक दिन से मूड भी ठीक नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। और अब जो है मैं वहीं रहने वाली हूँ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा अब यहाँ रहने का एक दो दिन के लिए। मैंने सोचा चलो यहाँ से व्लॉगिंग जो है स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैंने सुबह सुबह सारे काम वाम कर लिए हैं, घर पूरा साफ कर दिया चकाचक बिल्कुल, ताकि जब मैं आऊँ तो घर गंदा ना मिले मेरे को। तो ये सारे काम तो मैंने कर लिए थे, उसके बाद अब बस मैं निकल रही हूँ। और मेरे को आज जो है बीच में मैं देखती जाऊँगी पार्लर भी, आज नहीं तो आते हुए फिर मैं देखूँगी पार्लर्स जो हैं वो ओपन हो गए होंगे आई थिंक, मेरे को लग रहा है। तो मैं अपनी थ्रेडिंग भी करा लूँगी आते हुए, बहुत दिन हो गए हैं, खुद ही जुगाड़ कर करके मैंने वो टेढ़ी मेढ़ी कर दी है, पता नहीं क्या क्या कर दिया है अपनी थ्रेडिंग के साथ। तो वो भी ठीक करानी है थोड़े दिनों में, अब जब सब कुछ हो गया ओपन। और बस निकलती हूँ। और गर्मी जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब मौसम जो है अब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम नहीं है, बट ठीक ठाक सा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है। और रात जो है मेरे साथ एक और चीज़ हुई है, रात को मैंने अपना स्लाइड डोर ओपन ही छोड़ दिया, मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि शाम को मैंने ओपन किया होगा और रात को वो स्लाइड डोर मेरा ओपन रहा और मैं एसी वेसी चला रखा। तो रात भर मेरे को इतने मच्छर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इतने मोटे मोटे मच्छर आ कहाँ से रहे हैं। मैं अपना वो मॉस्किटो रैकेट उठा उठा के मारी जा रही थी और पटक पटक बज ही जा रहे हैं। उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ 3:30-4 बजे के करीब, मैंने देखा ओ गॉड मेरा स्लाइड डोर खुला हुआ है और आगे कर्टन लगा हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं लगा। तो मैंने शाम में ओपन करा होगा वो स्लाइड डोर और मैं भूल गई। मैं तभी कह रही हूँ बार बार इतने सारे मच्छर आ रहे हैं और 3:30-4 बज गए, ये ही बस जंग करते हुए इन मच्छरों के साथ मेरी पूरी रात निकल जाती है, मैं और मेरे मच्छर, मैं और मेरी तन्हाई, बस रात भर हम ऐसे लड़ते रहते हैं आपस में और यूं ही निकल जाता है, पूरी रात भी निकल जाती है। तो चलो गाइस फिर मैं मिलती हूँ घर जाके और आज आपको कूपर से भी मिलवाऊंगी। कूपर मेरे को देख के बहुत एक्साइटेड होता है, जैसे हमेशा ही होता है, तो मेरे को भी देखने का बहुत मन होना है, कूपर को भी और दृष्टू को भी। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ यहाँ से, फिर मैं मिलती हूँ आपको अब घर जाके, बाय बाय। तो गाइज अभी जो है मैं निकलने वाली हूँ बस, और ये मैंने अपना हेलमेट वगैरह ले लिया है, अपनी स्पेक्स, हेलमेट, बैग्स, अपने सब चीज़ें। तो इस टाइम पर जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है और बारिश वाला मौसम हो रहा है कि बारिश होगी। तो चलिए मैं जा रही हूँ नीचे। हमारे लिफ्ट का हाल ये कर देते हैं, इतने एकदम न्यू लिफ्ट थी ये और लोगों ने इसका हाल कुछ ऐसा बना दिया है हमारी सोसाइटी में, ये सब करके इनको बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। नई लिफ्ट्स का हाल आप देख सकते हैं, हम हिंदुस्तानी। देखना पड़ेगा मुझे मेरी स्कूटी जिसकी हालत तो ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, बहुत ही बेकार मिट्टी। कूपर को दिखाती हूँ मैं, अभी जस्ट मैंने हेलमेट भी नहीं उतारा है और मैं आके खड़ी हुई हूँ और कूपर को दिखाती हूँ मैं। कूपर ये देखो कूपर को, आए 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 कूपू की मम्मा आ गई। हाँ उतर जाए अब मम्मी, बैग तो उतार ले अपना। एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट। गीला क्यों हो रहा है, कहाँ से पानी में से आया तू, गीला कैसे हो रहा है तू?
है? चल आ रही हूँ, चलो क्या हो रहा है बुबू? नहीं मत कर, ऊपर ऊपर। ये गीला कहाँ से हुआ हुआ है? नहाया। नहाया है तू आज? तू नहाया है आज? तभी तो गीला हुआ हुआ है। अभी ना लाया गया इसको? मैं जब भी आती हूँ ये नाई नाई करके बैठा होता है। उसी दिन है, पिछली बार जब मैं आई थी तब भी नहाया था ये, उस दिन। हाँ उस दिन के बाद आज नहाया, ये आज भी नहा लिया है। तभी तू आज साफ सुथरा लग रहा है, एकदम काले रंग का लग रहा है। हाँ महीना हो गया इसको नहाए हुए हैं, तभी तू आज मतलब काला काला लग रहा है पूरा, जेट ब्लैक। साफ सुथरे लग रहे हैं तेरे बाल। कूपर, ओ कूपर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर अपना, मुंह बंद कर अपना, मुंह बंद कर अपना। अभी खाते हैं। दृष्टि कहाँ है? दृष्टि, दृष्टि कहाँ है? दृष्टि दीदी कहाँ है? दृष्टि दीदी, दृष्टि दीदी कहाँ है? दृष्टि दीदी, कॉम करो इसकी, कॉम कॉम, फिर निकलेंगे इसके बाल। चलो चलो कुपर, कम आ जल्दी आ जा कुपर, उठ भी जाए कर आलसी। देख दीदी तेरी कॉम करेगी, बिठाइयो उसकी, कॉम कर दीदी, कॉम करेगी कुपर की। चलो इसकी कॉम करो, आज इसने नाई नाई करी है, साफ सुथरा हो गया है कुपर, कुपर की कॉम हो गई, कुपर के बाल निकल जाएंगे सारे इससे। कूपर कोरोना से बचा बचा के रखा हमने अपने कूपर को, ये देखो, ओ गॉड कूपर के बाल, ये देखो नहाने के बाद ये हाल होता है। बैठो कूपर, सेट कूपर के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है, मतलब वो निकलने ही वाले होते हैं, जो निकलने वाले हैं इसका। अरे वो मैं लाना भूल गई हूँ वहाँ पे, वो जो था इसका टर्मिनेटर, टर्मिनेटर ही बोलते हैं ना उसको। इतने बाल है अभी, एक्साइटेड वही जा रहा है, बैठ के नहीं कराता, टिकता तो है ही नहीं एक सेकंड के लिए, टिकाई तो पड़ा था अभी। अच्छा सोया हुआ था ये जब मैं आई, आराम से करा ले। कूपर का बर्थडे आ रहा है इस मंथ, कूपर और दृष्टि दोनों का बर्थडे आ रहा है, बर्थडे मंथ है ये, दृष्टि का भी और कूपर का भी, क्योंकि कूपर और दृष्टि दोनों का हम साथ में बर्थडे मनाते हैं हर बार। पिछली बार भी हमने कूपर और दृष्टि का साथ में बर्थडे मनाया था, है ना कूपर? है ना कूपर, कूपर का बर्थडे आएगा, कूपर का बर्थडे आया था। साफ साफ हो गया, दे बाइक ना गिरा दे, वो देखो कितने वहाँ पे इसके बाल हो गए हैं पीछे इस साइड। हाँ ऐसे करने से गारिज हो रही है, गारिज पानी। कुपू मोटू 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 कुपू मोटू, कुपर कितना मोटा हो गया रे, कुपर बहुत मोटू हो गया रे, कुपर तू इतना मोटू कैसे होता जा रहा है ये बात बता, एक्सरसाइज नहीं करता ना तू, एक्सरसाइज नहीं करता ना तू।
चलो हो गए सारे बाल निकल गए, ये तो घर में नहीं इसके चढ़ेंगे अंदर। हो गई गुब्बे, चले चलो अंदर चलो। ओए आराम से आराम से, हो गई प्यास लग गई। लाइक यू बी स्ट्रॉन्ग टू होल्ड द पावर्स ऑफ द सन। Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. आते ही इसकी एक्साइटमेंट जो है नेक्स्ट लेवल है, और अभी जो है इसको दृष्टि ने आज नहलाया है। और जो कुपू इधर ला, इधर ला, कुछ लेकर आया मुंह में, कुछ मुंह में लेकर आएगी। देखिए अब मेरे ना आगे पीछे घूमता रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, इसको कोई नज़र नहीं आने वाला है। अभी मेरे ऐसे ही आगे पीछे घूमता रहेगा। और अभी जो है मैं खाने वाली हूँ खाना, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है। और मैंने जैसा बताया बीच में, अभी आज मेरे साथ एक और चीज़ हुई है। मैंने जब स्कूटी निकाली है, लास्ट टाइम मैंने स्कूटी ठीक कराई थी, स्कूटी मेरे को लग रहा है चेंज करानी पड़ेगी या नई लेनी पड़ेगी भाई साहब। इसकी आज बैटरी भी चली गई है, इतने दिन से चलाई नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको किसी तरीके से मैं लेकर आई हूँ आज। और मुझे पता है तो अब स्कूटी भी लग रहा है कि नहीं लेनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ट्रबल की है। और कैब्स वगैरह भी पता नहीं है नहीं है, मैंने देखा नहीं है ऊबर वगैरह है यहाँ पर या नहीं है। अगर स्कूटी नहीं है तो मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आने जाने की। तो अभी जो है मेरे को भूख लग रही है, मॉम कही जा रही है खाना खा ले खाना खा ले खाना खा ले, क्योंकि मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ है तो उनको ज़्यादा हो रहा है कि खाना खा ले। और यहाँ आके थोड़ा सा जो मेरा एक दो दिन से तबीयत ठीक नहीं थी और मूड भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा था, वो थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो मैं एक दो दिन यहीं रहने वाली हूँ, और आने के बाद आज जो है भरत मिलाप होता है हम लोगों का। जब हम मिलते हैं ना इतने दिन बाद, तो एकदम ऐसा होता है कि भरत मिलाप है ना। तो वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम लग रहा है बारिश आएगी अभी, और हवा बहुत अच्छी चल रही थी जब मैं आ रही थी। तो बस अब तो वैसे भी सब कुछ खुल चुका है, लॉकडाउन ये वो सब कुछ, तो अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्रिकॉशंस लो और निकलो घूमो, कहीं पर भी जाओ आओ, कुछ ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर। तो बस यही चल रहा है। तो अब चलिए अब मैं खाती हूँ खाना, क्योंकि मॉम जो है मेरे को बार बार आवाज़ें दिए जा रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ खाना लेने के लिए। मैं पहले खाना खाती हूँ, हाथ वॉश करती हूँ, क्योंकि कूपर जो है जब नहाता है तो उस दिन उसके जो थोड़े से हेयर है ना, हेयर फॉल रहता है उसके, तो अभी कॉम कर दी है उसकी अच्छे से, लेकिन फिर भी उसको हेयर फॉल रहेगा। तो मैं अपने हाथ पर धो लेती हूँ, देन मैं खाना खाती हूँ। चलो फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय कूपू। ओए कूपू, दृष्टि दीदी के पास बैठेगा। दृष्टि कुछ पी रही है, दृष्टि क्या पी रही है? रू अफ़ज़ा, रू अफ़ज़ा, अफ़ज़ा, रू अफ़ज़ा। चलो कूपर, कूपर को थोड़ी ना पीना है। भरत मिलाप हो गया, भरत मिलाप हम लोगों का है ना। देखो कितना मोतू हो गया, वैसे बोलना नहीं चाहिए कि मोतू हो गया, नज़र लग जाएगी, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा इसको, मेरे को लग रहा है इसको थोड़ा खिलाया वो करा करो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है ना ये बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा मोटू मोटू कैसे हो गया ये। वो पीछे वो मरा हुआ था ना, क्या है वो मरा पड़ा था, अरे वो क्या होता है, कबूतर, कबूतर का, हाँ
जो ये पीछे वहां जाने वाला था इसको फटाफट से पकड़ा मैंने, वो मरा पड़ा है वहां स्टोर में पीछे। कबूतर कैसे मर गया वहां पे पता है नहीं, शायद बिल्ली ने मारा हो। वो बिल्ली ने कबूतर को मार दिया पता है नहीं। देखा मोटू से खड़ा भी नहीं हो जाता, मोटू से खड़ा भी नहीं हो जाता। इधर आ कूपर, कहाँ घुसेगा बता। इधर पोषम पा भी, पोषम पा खेलना तूने, पोषम पा भी, पोषम पा। लाल किले में क्या होता था वो दृष्टि, पोषम पा पोषम पा। भाग गई है दिष्टु दीदी, दिष्टु दीदी तो गई। अब तू बॉल लेकर आया था अपनी, वो भी सड़ी हुई बॉल, जा दिष्टु दीदी तो गई, अब नहीं खेल रही दिष्टु दीदी तेरे साथ। अब बोल, ओ ओ अब कोई नहीं खेल रहा कूपर के साथ, कूपर के साथ कोई नहीं खेल रहा, कूपर के साथ कोई नहीं खेल रहा। ओए बैग 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 मारी है बैग, वो देखो देखो उठाओ उठाओ उठाओ, वो गिरेगा। ओए ओए वो मोटू अटक गया, मोटू अटक गया, मोटू तेरी बॉल उधर गई, उधर गई तेरी बॉल, मेरा पैर लग गया। सुजू क्या है ये, कुकी है इसकी। ओए 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 लग जाएगी, कॉर्नर कॉर्नर लग जाएगा तेरे को, ए कॉर्नर लग जाएगा तेरे को कूपर, आराम से किया कर एक्टिविटी, कॉर्नर लग जाए। देख अब आराम से नहीं खाया ना तूने, इतना एक्साइटेड क्यों रहता है हमेशा। आएगा अभी आएगा, आजा कूपर आराम से, एक्साइटेड क्यों रहता है तू, आराम से कूपर, आराम से आराम से, काम डाउन काम डाउन काम डाउन, यस काम डाउन काम डाउन। गाइज ये है मेरी रोटी जो मैं अब खाने वाली हूँ। कूपर रोटी तूने खानी है, इसने खा ली है, कूपर खा चुका है और मैं अब खाना खा रही हूँ। ओ ओ ओ क्या हो गया इसको, एकदम से इतना एक्साइटेड क्यों, कौन है। हाँ गाय है, अच्छा बाहर ना एक काओ आती है तो ये उसको देख के ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है अभी से। अच्छा आ आ, अरे दृष्टि आ आ कर रही है तो उसको पता चल रहा है कि आ आ करके ना काओ को बुलाते हैं, तो वो जैसे ही आ आ करती है तो वो भौंकना शुरू कर देता है कि काओ आएगी, इसको पता लग चुका। देखो आ आ करते हैं ना, उसको पता लगेगा आ करके काओ को बुलाते हैं। रुको रुको आराम से बैठो बैठो, देखो को पता लग गया कि ना काऊ को बुलाते हैं ऐसे, अब नहीं चिढ़ेगा, उसको पता है झूठी झूठी कर रही है। तो फ्रेंड्स अभी जो है खा लेती हूँ खाना, और आज ऐसी हो रहा है खाना बड़ी मुश्किल से नसीब हो रहा है जब सिलेंडर ख़त्म हो जाए। और पता है क्या होता है, हमेशा मुझे याद रहता है इंडक्शन मंगाना इंडक्शन मंगाना, और मैं हमेशा भूल जाती हूँ क्योंकि सिलेंडर फिर काम होना शुरू हो जाता है और मैं भूल जाती हूँ। लास्ट टाइम भी मुझे याद था कि मेरे को एक इंडक्शन लेना है, कभी इमरजेंसी के लिए इंडक्शन होना चाहिए घर में, और मैंने ऑर्डर नहीं करा था। बट इस बार मैं जो हूँ अमेज़ॉन से जाते ही ऑर्डर करूँगी एक इंडक्शन जो कि मुझे चाहिए, कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है सिलेंडर का ये वो, तो एक इंडक्शन तो ज़रूर होना चाहिए घर में, तो वो मैं मंगाने वाली हूँ अब इस बार तो सीधा ऑर्डर करूँगी। और चाहिए यार, इंडक्शन के बिना काम नहीं चल सकता क्योंकि सिलेंडर ठीक है नहीं है। चलिए अब मैं खा लेती हूँ खाना, फिर मिलूँगी आप लोगों से, बाय। लिए क्या है ये, ग्रास ग्रास वीट ग्रास,
बेटा वो आप ही को गंदी स्मेल लगती है, वो बड़े लोग पी लेते हैं। आपको ये गंदी लग रही है ना उसकी स्मेल, पर बड़े लोग पी लेते हैं। गाइज आप देख सकते हैं दृष्टि ने मेरा टॉप डाला हुआ है और दृष्टि ने मेरी लेगिंग डाली हुई है। मेरा टॉप और मेरी लेगिंग, आके इधर दिखाइए ज़रा दृष्टि, इधर आगे होइए थोड़ी सी। और मेरे पजामे को दृष्टि ने फोल्ड कर दिया है, उसको केपरी बना दिया है। मेरी टी शर्ट और मेरी मेरा पजामा और उसको केपरी बना दिया इसने, सारे मेरे कपड़े पहनती है। मम्मी पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं वीट ग्रास से। मैंने किया था यार इसका, ये काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था ये रिव्यू, मैंने सिमसिम पे मंगाया हुआ था ये प्रोडक्ट। मैं हमेशा लाना भूल जाती हूँ और मम्मी हमेशा कहती थी कि ले आओ ले आओ ले आओ। और डैडी सत्संग सुन रहे हैं पीछे बैठ के। फ़ैन इतनी तेज़ चल रहा होगा, आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरे व्लॉग में आज, पक्की बात है। लगी हूँ मैं और कूपर जो है आज कूपर व्लॉग एंड करेगा, आज कूपर व्लॉग एंड करेगा। कूपर व्लॉग एंड कर दे, बोल दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, है ना। मम्मी और दृष्टि की कुछ वार्तालाप चालू है पीछे, वो अपना बोलते रहते हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं अभी तो। बस गाइज मेरा खाना पीना हो चुका है, तो बस ये व्लॉग जो है मैं एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से नए व्लॉग में। तो चलिए बाय।